गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है रेडी अन्ना। रेडी अन्ना 2010 से इंडिया में काम कर रही है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स है, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉल मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट पे दिए गए रेडी अन्ना से अगर आप लोग टेलीग्राम एंड नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करते हो तो आप सभी को गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। तो फटाफट जाके आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए और यहाँ पे बोनस पाइए। IPL 2022 के लिए गाइस यहाँ पे RCB के कैंप की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे RCB के प्रैक्टिस कैंप से क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो आज की वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रैक्टिस कैंप के बारे में, क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस यहां पे हम लोगों ने कल यहां पे देखा हर्षल पटेल का धमाका। जी हां गाइस यहां पे हर्षल पटेल को गाइस यहां पे बल्लेबाजी करते हुए हम सभी लोगों ने देखा। और RCB के जितने सारे फैंस हैं उन लोगों को मैं बता दूं यहां पे हर्षल पटेल को गाइस यहां पे बैटिंग करवा रही है RCB के कोचिंग स्टाफ, क्योंकि गाइस यहां पे RCB की अगर लोअर ऑर्डर की बात किया जाए तो वहां पे हम सभी को ज्यादा गहराई नजर नहीं आती है एंड वहां पे थोड़ा सा बल्लेबाजी यहां पे RCB की टीम के पास है ही नहीं अगर बोले तो। लेकिन गाइस यहां पे RCB की टीम यहां पे हर्षल पटेल को तैयार कर रही है कि अगर एंड में आके गाइस यहां पे हर्षल पटेल बड़े बड़े गाइस यहां पे फायर करते हैं तो गाइस यहां पे दूसरे टीमों को गाइस प्रेशर में डाल सकते हैं हर्षल पटेल। और गाइस यहां पे नेट प्रैक्टिस में गाइस यहां पे इसी की तैयारी करते हम सभी को नजर आए हर्षल पटेल। और RCB के कोचिंग स्टाफ जिस चीज के लिए गाइस यहां पे हर्षल पटेल को इतना ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं एंड गाइस यहां पे जिस तरीके से गाइस वो काम भी कर रहे हर्षल पटेल, अगर वही काम गाइस यहां पे मैच में अगर करते हैं तो हर्षल पटेल गाइस यहां पे फायर करते हैं तो यहां पे बहुत ही अच्छा रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए, क्योंकि एंड में आके गाइस यहां पे इस तरीके का पारी खेलना बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गाइस यहां पे अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रहा है कार्तिक की तरफ से। जी हां गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक की तरफ से भी गाइस हम सभी को अपडेट देखने को मिली है। जहां पे गाइस हम सभी ने अब देखा था सिनेरियो जब यहां पे RCB के टीममेट्स ने गाइस यहां पे किया था एंड उस सिनेरियो में गाइस यहां पे जो टारगेट यहां पे दिया गया था सेफ एंड रदरफट एंड गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक ने मिलकर उस गाइस यहां पे टारगेट को पूरी तरीके से गाइस कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद भी गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक को गाइस यहां पे प्रैक्टिस करवाया गया, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मिडिल ऑर्डर की तो गाइस यहां पे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो कि एकलौते खिलाड़ी दिनेश कार्तिक है। और गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक को इस चीज के लिए गाइस यहां पे तैयार किया जा रहा है कि अबे दिनेश कार्तिक अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे RCB के टीम के लिए। पहले हम सभी को AB डिविलियर्स नजर आते थे लेकिन अब यहां पे AB डिविलियर्स नहीं है तो गाइस यहां पे पूरी तरीके से जिम्मेदारी अब यहां पे दिनेश कार्तिक के ऊपर है। और गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक को अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा RCB के टीम के लिए। और गाइस यहां पे दिनेश कार्तिक भी गाइस यहां पे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और गाइस यहां पे हम सभी को बड़े बड़े शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं नेट प्रैक्टिस में दिनेश कार्तिक। और अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें तो सिनेरियो में भी गाइस हम सभी को दिनेश कार्तिक काफी ज्यादा फायर करते नजर आए हैं और दिनेश कार्तिक काफी अच्छे तरीके से गाइस यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि मैच में भी इस तरीके से परफॉर्म करेंगे हमारे दिनेश कार्तिक। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आकाशदीप की तरफ से। तो गाइस यहां पे आकाशदीप ने गाइस यहां पे नेट प्रैक्टिस में गाइस यहां पे काफी अच्छी गेंदबाजी किया है, जहां पे गाइस यहां पे माइक हसन ने भी गाइस उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि यहां पे आकाशदीप काफी अच्छे गाइस यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड कैसे पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आकाशदीप को भी RCB के प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। अब कैसे पे RCB की टीम की प्लेइंग 11 किस तरीके का होगा ये तो अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से पता नहीं चला है। अगर यहाँ पे यंग खिलाड़ी की बात करें तो कैसे पे काफी ज्यादा यंग खिलाड़ी को RCB की टीम मौका देने वाली है और अगर वहां पे आकाशदीप का भी नाम आता है तो कैसे पे पूरी तरह से हम सभी को कहानी में ट्विस्ट नजर आ सकता है IPL 2022 के प्लेइंग 11 में RCB के टीम की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी RCB की टीम की तरफ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।